प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के सवाल पर आइए जानते हैं उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस के विधायक अजय राय से कि नोटबंदी के चलते लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि उन्होंने जो नोटबंदी करने का जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने नोटबंदी तो कर दी, एक बैग 8 बजे रात को आए और उन्होंने कहा कि नहीं आज से ये जितने नोट हैं ये सब कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे, पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं हुई। कुछ आप वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर लें, उतने नोट छप जाएं, या पुराने जो 100-100 के नोट, जो आपने 50-50 के नोट जिसको आपने बंद नहीं किया उसको प्रचुर मात्रा में आपको छपवाने चाहिए थे, जिससे कि आम जनमानस को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, किसी को दिक्कत ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ, त्रासदी इन्होंने पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिससे प्रत्येक वर्ग, चाहे वो गांव में रहने वाला मजदूर हो, किसान हो, शहर में व्यापारी हो, छोटे मझोले व्यापारी, सभी लोग, उनके जो 2-4-10 जो बड़े दोस्त मित्र हैं जिन्होंने उनको काफ़ी पैसा देकर देश का प्रधानमंत्री बनवाया और आज तक उनकी मदद कर रहे हैं, केवल वही फायदे में हैं, बाकी जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग परेशान हैं, पूरा देश की जनता परेशान है। विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने नोटबंदी को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया तो जन समर्थन आपको क्यों नहीं मिला? नहीं चल रहा है अभी, तो अभी कहाँ जन समर्थन, तो लगातार चल रहा है, अभी ये आगे चलता रहेगा, अभी शुरुआत है, ये तीसरा दिन, पहले भारत माता मंदिर पर उस दिन करीब 1000 लोग थे, लंका पर करीब 1000 लोग थे, कल यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग यहाँ पे थे आज़ाद पार्क में। अभी देखिए, चलिए आप हमारे साथ मैदागिन, चलिए देखिए कितना समर्थन मिल रहा है, सभी लोग, जो लोग परेशान है वो आ रहे हैं, बाकी जो बेचारे पर जो जिनको दिक्कत है वो लाइन बैंक की लाइन में लगे हैं, ATM की लाइन में लगे हैं, समर्थन पूरी तरीके से जनता का है। और जो 50 दिन का इन्होंने एक स्कीम दिया है कि 50 दिन में हम सब चीज़ें ठीक कर देंगे, तो स्कीम वाले प्रधानमंत्री हैं ना, वो स्कीम भी पूरी होने वाली है, आज 35 दिन हो गया, 15 दिन और शेष बचा है। तो ये रहे विधायक अजय राय। पूजा कपूर, क्लाउड टाइम्स, ब्रेकिंग न्यूज़, वाराणसी।